नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शकील हसन शमसी ने शहरियत तरमीमी कानून पर किया खास तबसरा। CAA पर सुप्रीम कोर्ट में 144 दरख्वास्तें और शहरों में दफा 144 है नाफिज। सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून पर अब 4 हफ्तों बाद होगी समाअत। शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगु में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। CAA पर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त सिर्फ 60 अर्जियां दाखिल हुई थीं, जिसका जवाब हुकूमत को देने के लिए 22 जनवरी का नोटिस दिया गया था, मगर इस बीच 84 मजीद दरख्वास्तें मौसूल हो गईं और उन सब पर हुकूमत का जवाब चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को 4 हफ्तों के लिए टाल दिया है। रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट में 144 दरख्वास्तें और शहरों में दफा 144। शहरियत तरमीमी कानून मुल्क का ऐसा वाहिद कानून है जिस पर बर अफरोख्ता होकर केरला की सूबाई हुकूमत के अलावा मुख्तलिफ इदारों, तंजीमों और शख्सियतों ने ब्रह्म होकर जितनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की उतनी उससे पहले कभी आईन से वाबस्ता किसी मामले में दाखिल नहीं हुई थी। वाज़ह हो कि गुज़िश्ता महीने में जब इस मामले की समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त सिर्फ 60 अर्जियाँ दाखिल हुई थीं, जिसका जवाब हुकूमत को देने के लिए 22 जनवरी का नोटिस दिया गया था, मगर इस बीच 84 मजीद दरख्वास्तें मौसूल हो गईं और उन सब पर हुकूमत का जवाब चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उजलत इख्तियार करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा होगा कि इस कानून के नाफिज होने या ना होने से किसी शख्स की शहरियत मुतासिर नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग इस बात की तवक्का कर रहे थे कि अदालत उज़्मा की तरफ से इस कानून पर अमल दर आमद पर स्टे ज़रूर लगा दिया जाएगा ताकि मुल्क भर में चल रहे एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म हो जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी। वैसे भी CAA के मामले को बहुत ज़्यादा उलझा दिया गया है और एक ऐसे कानून को मुतनाज़ बना दिया गया जो शहरियत देने वाला था, शहरियत लेने वाला नहीं था। अब हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 144 दरख्वास्तें लगी हुई हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। अगर BJP की लीडरों ने इसको NRC से जोड़ने की कोशिश ना की होती तो ये मामला इतना उलझता नहीं। अगर इस कानून के साथ मजहबों को वाबस्ता न किया जाता बल्कि सिर्फ इंसानियत के साथ जोड़ा जाता तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ख़राब ना होती और इस तरह शहरों हंगामे नहीं होते। ये बात सब जानते हैं कि इस कानून से मुतासिर होने वाली रियासतें आसाम और त्रिपुरा ही होती, जहां बंगाली बोलने वाले लोगों को गैर मुल्की करार दिए जाने की कोशिश बरसों से होती चली आई है। वहीं के लोग इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि शरीयत का फैसला मजहब की बुनियाद पर ना हो बल्कि लिसानी बुनियादों पर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम में 13.5 लाख बंगाली हिंदू और 6 लाख बंगाली मुसलमानों को NRC में जगह नहीं मिली है और अगर वहां CAA नाफिज हो गया तो 13.5 लाख हिंदुओं को ऑन वाहिद में हिंदुस्तानी शरीयत मिल जाएगी, यानी आसाम के लोग जो तहरीक गुज़िश्ता 40 बरस से चला रहे हैं उसका खात्मा हो जाएगा और मुसलमानों के सिवा तमाम लोग वहीं रहेंगे। इसीलिए CAA की मुखालफत आसाम से शुरू हुई जो धीरे धीरे हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में भी फैल गई। इस तहरीक के फैलने की सबसे बड़ी वजह बनी वज़ीर दाखिला अमित शाह की वो तकरीरें जो उन्होंने बंगाल में मुख्तलिफ जलसों में कें और जिसमें उन्होंने लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि CAA के बाद NRC का निफाज मुल्क भर में होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी CAA के कानून पर चल रही बहस के दौरान भी इस बात को दोहराया कि NRC तो मुल्क में नाफिज होकर ही रहेगा। उनके अलावा भी छोटे बड़े भाजपाई लीडर मुसलसल ऐसे बयान देते रहे कि जिनसे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल और मुसलमानों में खौफ व दहशत पैदा हो। ऐसे संगीन हालात में अगर इस कानून के खिलाफ 144 अर्जियाँ दाखिल हो गईं तो हैरानी की क्या बात है। ये भी सुना है कि आसाम और त्रिपुरा में CAA नाफिज होने के खिलाफ जो अर्जियां दी गई हैं उन पर अलग से समाअत होगी क्योंकि मुल्क के दूसरे हिस्सों का मामला उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
फिलहाल अगले 4 हफ्तों तक इस मामले में किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो इस कानून पर नज़रसानी करने को तैयार तक नहीं है और जो कुछ फैसला होना है वो अदालत से होना है। एक काबिल गौर बात यह है कि ये भी मुमकिन नहीं है कि जब अगली समाअत हो तो उसी दिन कोर्ट कोई फैसला कर दे, इसलिए ये मामला मज़ीद खींच सकता है। आखिर में एक बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से एक रात कबल कुछ जोशीली ख्वातीन सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने पर जाकर बैठ गई थीं, जिनको बाद में पुलिस ने हटा दिया। हमारे ख्याल में इस तरह का जोश व खरोश दिखाने के मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि अदालतें इस किस्म की हरकतों के बारे में ख्याल करती हैं कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा बेहतर तो यही होगा कि अदालत से इंसाफ पाने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार करें जो कानूनी रास्तों से जाता है, और ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले किसी बड़े वकील से मशवरा ज़रूर कर लें। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया शकील हसन शमसी का मज़मून, जिससे जाहिर होता है कि अगर BJP ने इस कानून को मजहबों के साथ वाबस्ता ना किया होता बल्कि सिर्फ इंसानियत के साथ जोड़ा हो जाता तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ख़राब ना होती और ना ही इस तरह मुल्की सतह पर मुजाहरे हो रहे होते। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि CAA पर 4 हफ्तों बाद भी इस मामले पर किसी पेशरफ का इम्कान है या नहीं है, क्योंकि जब अगली समाअत हो तो ये मुमकिन नहीं कि उसी दिन कोर्ट कोई फैसला कर दे, इसलिए ये मामला मज़ीद खिंच सकता है। शहरियत तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।